स्टूडेंट, टुडे वी स्टडी SF6 मॉलिक्यूल। इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होती है। इसका बॉन्ड एंगल 90 डिग्री का होता है। SF6 मॉलिक्यूल ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर को शो करता है। ये केमिकल बॉन्डिंग का टॉपिक है। डियर स्टूडेंट, हम हाइब्रिडाइजेशन को स्टडी करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन इज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी व्हेन एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास डिफरेंट मॉलिक्यूल आ जाते हैं, जिसके बेस पर हम अभी मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। SF6 जिसमें हमारे पास 3s2 3p4 होता है, जिसके बेस पर इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होती है, जिसमें ओवरलैपिंग स्ट्रक्चर होती हैं, जिसके बेस पर इसकी स्ट्रक्चर हमारे पास ऑक्टाहेड्रल आ जाती है, जहाँ हमारे पास पेंटागोनल बाईपिरामिडल आ जाती है। सल्फर ग्राउंड स्टेट में s3s3p4 शो करता है। जब एक्साइटेड स्टेट में होता है तो दो इलेक्ट्रॉन अगले d3d ऑर्बिटल में चले जाते हैं, जिसके बेस पर इसकी स्ट्रक्चर में हमारे पास बॉन्ड फॉर्म होते हैं। s में 1, पी में 3, डी में 2, और इसकी स्ट्रक्चर को हम ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर कहते हैं। थैंक्स टू वॉच दिस वीडियो।